जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया है। सेना की ओर से बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल पहुंचा लिया गया है। वहीं पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई है और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें, जम्मू में यह 24 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले सोमवार को सुबह करीब 3 बजे राजौरी में घोंधा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार भी गिराया था। इस हमले में एक जवान और परशोत्तम की चाचा घायल हुए थे। यहां दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है।